तो पहले जो कोई पूछेगा कि मुकुलन किस जीव में होता है, तो ये होता है ईष्ट में। किस में होता है? ईष्ट में। किस में होगा? ईष्ट में। ठीक है, इसमें होगा ईष्ट में। कोई पूछेगा ये किस प्रकार के जीव है, तो क्या होगा? एक कोशीय जीव है। क्या है? एक कोशीय जीव है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव जब परिपक्व अवस्था में आता है, किस अवस्था में आएगा? परिपक्व। ईष्ट किस में आ जाएगा? परिपक्व। परिपक्व आने का मतलब इंग्लिश में इसको कहा जाता है मैच्योर। ठीक है, यानी जनन करने की जब क्षमता इसमें आ जाएगी, तो इसको कौन अवस्था कहा जाता है? परिपक्व अवस्था कहा जाता है। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, तो क्या वह जनन की क्रिया कर सकता है? नहीं कर सकता है। एक अवस्था आती 12 वर्ष के बाद से वह क्या करेगा? जनन की क्रिया कर सकता है। कितना वर्ष तक? तो लगभग 45 वर्ष से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है यह क्षमता। उसी प्रकार के जीव ये होता है ईष्ट। इसमें भी जब ये परिपक्व अवस्था आ जाएगा, तो ये क्या करेगा कि ये मान लीजिए एक प्रकार का यानी जीव हो गया, इसको क्या कहेंगे? ईष्ट। ठीक है, अब इसमें जो होगा ये वो बर्ड्स का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? ऐसे समझो ये एक प्रकार का क्या हो गया? जीव हो गया। इसके बीच में क्या हो गया? केंद्रक हो गया। और इसमें जो होगा ये वो बर्ड्स का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? बर्ड्स का। बर्ड्स कहने का मतलब होता है एक बल्ब का निर्माण करेगा। और यही बल्ब जैसे अभी है, जैसे यहाँ से देख लीजिए, एक ये हो गया कोशिका, ईस्ट हो गया, यहाँ थोड़ा सा उभार लाया, थोड़ा सा लाया ना, फिर दूसरा हो गया यहाँ पर जो हो गया इससे बड़ा उभार लाया, लाया ना, और तीसरा जो हो गया ये हो गया, चौथा जो हो गया यहाँ से जो है ये कहीं भी आ सकता है, उभार यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। मान लीजिए यहीं आ गया, यहाँ भी उभार आया ना, तो जब यहाँ उभार गया, अब एक बार क्या होगा ना कि यहाँ से टूट कर क्या हो जाएगा? समाप्त, यानी टूट कर हट जाएगा। तो हाँ, ये वो जीव हो गया, अपने से ही क्या कर दे, वो खंडित करके यहाँ पर टूट के नया निकाल दे। तो इस प्रकार के जनन की क्रिया को क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। अब ये नया जीव, जैसे मान लीजिए महिला सब रोटी बनाते हैं ना, तो देखते हैं कि लोई लेके इसे काट काट हुआ ऐसे ऐसे करती है, और काट के ऊपरवा से वो बर्ड्स काट के नहीं रख देती है, तो वैसा ही जब बर्ड्स का निर्माण होगा कट जाएगा, और उसमें से जब नया जीव का निर्माण होगा तो उसको क्या कहेंगे? मुकुलन कहा जाता है। कौन दिक्कत? उसको क्या कहेंगे? मुकुलन। तो उसी प्रकार के यानी जीव होंगे, तो ये पूछेगा क्वेश्चन कि मुकुलन क्या है, तो कहेंगे जनन की वह क्रिया जिसमें कोई जीव अपने शरीर में उभार लाता है। क्या लाता है? उभार या बर्ड्स लाता है, और बर्ड्स लाने के बाद यानी टूट जाता है, और टूट के नए जीवों को जब जन्म देता है उसको क्या कहा जाता है? मुकुलन कहा जाता है। कोई पूछेगा कि किस प्रकार के जीव में होता है, तो यह एक कोश के जीव में होता है। ठीक है, कोई पूछेगा कि यह जो होता है यानी किस जीव में होता है, तो यह जो होता है ईष्ट में होता है। किस में होता है? ईष्ट, यानी ईष्ट को याद। जैसे ईष्ट क्या है, बहुत लोग कन्फ्यूज होते हैं। ईष्ट जैसे जिलेबी बनाते हुए देखते हैं सोडा डालते हुए मुलायम करने के लिए, तो जो सोडवा जलते वह एक प्रकार का क्या है? ईस्ट है। वह एक प्रकार का जीवाणु है, वही जो जाता है ना, तो जिसके कारण आपको यानी पुआ बनाइए जिलेबी बनाए तो हल्का जो होता है खंट लगता है। जिलेबी अगर 3 दिन 2 दिन से सान के रखा हुआ है ना, तो उसमें ईस्ट जितना अपना वृद्धि करेगा उतना ही जो होगा उसमें क्या होगा, वह जिलेबी अच्छा लगेगा। समझ में ना, जैसे पुआ देखते हैं वो मुलायम होता है, वो कड़क होता है, तो जिसमें ईस्ट डाल देगा ना तो वह जो है कड़क हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार जैसे मान लीजिए लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, तो जीवन में पड़ेगा ना, तो बहुत सारे जीवाणु हमारे लिए क्या होते हैं? लाभदायक भी होते हैं, बहुत हमारे लिए क्या होते हैं? हानिकारक भी होते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि दही, दही खाए हैं ना, दही अगर आपको दिखा दिया जाए माइक्रोस्कोप से, तो जिंदगी में फिर कभी नहीं खाइएगा। ठीक है, क्योंकि ना कहते एकदम ऐसा दही जमा एकदम एकदम ढेला जैसे देवाल को मार देता, चिपरी जैसे चपक जाएगा, कहते हैं ना। तो इसका मतलब कि उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु की संख्या क्या हुई? बहुत अधिक है। जितना जीवाणु की संख्या उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु की संख्या होगी उतना ही अधिक वो क्या होता है? दही जमता है। समझ में ना,
तो दही का पर उसमें बी विटामिन पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, तो हम दही नहीं खाते हैं, लैक्टोबैसिलस क्या खाते हैं, जीवाणु खाते हैं, समझ में है ना। तो यह जो होता है इसको पढ़ेंगे ईस्ट, ये क्या करेगा, तो कोई भी पूछेगा तो डायरेक्ट फिगर बना दीजिए, आप फिगर बनाने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, ये दावा सकते हैं कि ये देखिए इस प्रकार से होता है। तो ये कहेंगे यानी मुकुलन, ये अलैंगिक जनन है कि लैंगिक जनन है, तो अलैंगिक जनन है, समझ में। अलैंगिक जनन का मतलब होता है जिसमें एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, कौन-कौन पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, उसको क्या कहेंगे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन जब पूछेगा ना तो उसमें दो पेरेंट की आवश्यकता पड़ती है, वो मेल आए वो फीमेल, इसमें कौन हो एक ही वो रहेगा तो काम का होगा, हो सकता है नए संतान उत्पन्न किया जा सकता है, तो इसको कहेंगे मुकुलन। लिखे तो